अल्लाह का नबी है इब्राहिम, थोड़ा मुनि छोटा नबी नहीं बड़ा नबी, इसे अल्लाह ने खलील कहा हुआ, अपना दोस्त कहा हुआ, और दोस्त हमेशा प्यारे होते हैं। ये अल्लाह का खलील है, अपने भाई साहब अल्लाह का दोस्त है। इसने दोस्ती दोस्ती में एक दिन खुदा से कहा कि मेरे अल्लाह मैं देखना चाहता हूं कि तू मुर्दे कैसे जिंदा कैसे जिंदा करता है। आवाज आई इब्राहिम नहीं तुझे यकीन नहीं कि ये मारने के बाद ये जो हड्डियां होती हैं इनको दोबारा भी उठाया जा सकता है। उसे का यकीन है, इत्मीनान चाहता हूं। इसका मतलब कि इब्राहिम जितना मर्जी बड़ा नबी था, इब्राहिम के पास यकीन था, इत्मीनान नहीं था। यहां पे तो मैं अली की बहस ही नहीं कर रहा, अगर यहीं पे आऊं तो यहीं पे रुक के एक बात और भी कही जा सकती है कि इब्राहिम सारी जिंदगी यकीन रखता रहा लेकिन इत्मीनान ढूंढता रहा। जो इत्मीनान ढूंढता रहे उसे इब्राहिम कहते हैं, और जिसे खुदा नफ्स से मुतमईना कह के बुलाए उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। क्या कहा जनाब इब्राहिम ने, यकीन है। कुरान, खुदा कुरान में कहता है कि इब्राहिम ने कहा यकीन है, इत्मीनान चाहता हूं, मुझे सिर्फ दिखा दे कि तू कैसे करता है, मैं अपनी आंखों से देखती फिर मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि ऐसे जिंदा होते। ये अल्लाह का नबी था, आम अपनी अली की तहलीज में लेके जाऊं, अली की तहलीज में गुलाम बैठता हूं, जो सफेद रीश के साथ तहलीज अमीर में बैठा। एक दिन जनाब सलमान ने अपने तारुफ करवाते करवाते सलमान ने कहा कि मैं दुनिया कहती है कि अली मुर्दे जिंदा करता, ये क्या अली का फजाइल है, ये मुझे फजीलत नहीं अली। जनाब सलमान मौला अली की मार्फत बयान कर रहे थे कि लोग क्या अली ये सलमान आपकी मोहब्बत में बहुत आगे निकल गया, ये कहीं कहीं जो बातें करता है वो बातें जो हैं वो हमें बहुत समझ में नहीं आती। जनाब अमीर ने मुस्कुरा के फरमाया क्या कहा सलमान ने, कहते सलमान कहता है कि अली मुर्दे जिंदा करता है। अली मुस्कुरा के फरमाते ये काम तो सलमान खुद भी कर लिया। इब्राहिम की बात आपके जहन में होनी चाहिए कि मुझे यकीन है, इत्मीनान चाहता है। मौला अमीर ने मुस्कुरा के फरमाया ये काम सलमान खुद भी कर लेता है। कोई बगैर अगले दिन सलमान को एक चौक में घेर के खड़े होगा, उन्होंने सलमान अली कहते हैं कि तू मुर्दे जिंदा करता है, अली कहते हैं कि तू मुर्दे जिंदा कर लेता है। मैं चेहरों पे नजर पड़ूंगा, देखूंगा किस चेहरे पे खुशी की लकीर आई, कहां पे गम की लकीर आई है। जब सहाबा ने देखेगा हमने अली से सुना है कि सलमान मुर्दे जिंदा कर लेता है, जब सलमान ने कहा मैंने आज तक कभी किसी मुर्दे को जिंदा किया नहीं, लेकिन अगर वो कहता है तो मैं कर लेता हूं, अगर वो कहता है तो मैं कर लेता हूं, अगर वो कहता है तो मैं कर लेता हूं। उन्होंने कहा ना ना सलमान वापस घर नहीं जाने देंगे, अभी हमारे साथ कब्रिस्तान में चल, जो अली ने कहा वो करके दिखा, जो अली ने कहा वो करके दिखा, अभी पता चलेगा तेरा रहबर तेरा मौला तेरा इमाम सच कह रहा था। जब सलमान चले गए फरमाया कब्र अपनी मर्जी की तलाश कर लो, कब्र अपनी मर्जी की तलाश कर लो। उन्होंने पूरे कब्रिस्तान का चक्कर लगाया, एक बोसीदा सी कब्र, पुरानी सी कब्र, फटी सी कब्र पे जाके सलमान को खड़ा कर दिया। सलमान का खड़ा होना था, सलमान ने खड़े होकर कब्र पे हाथ रखा, हाथ रखना, वो कहता है कि मैं जिंदा कर लेता हूं, जिंदा कर लेता हूं। उसके कहे हुए के मुताबिक के ऊंचा इतना कहना था, कमर फटी, मुर्दा बाहर आया, जो तेरे बाहर आके एक बताए देखा, एक तो हमारे देखा, ताइबा देखा, ऐनल जमल ऐनल जमल ऐनल जमल ऐनल जमल, मेरा ऊंट कहां है, मेरा ऊंट कहां है, मेरा ऊंट कहां है। लोगों ने सलमान से कहा सलमान मुर्दा जिंदा करवाने आए थे, ये कौन सा पंगा पड़ गया, ये तो उठ के कह रहा मेरा ऊंट कहां है, ऊंट कहां है। सलमान का चाहने तुमने सरदार नबी की हदीस भी सुनी, नबी ने फरमाया इंसान जो करता हुआ मर जाता है, जब क्या मतवाल दिन उठेगा शहर वहीं से शुरू हो जाएगा, बात वहीं से शुरू हो जाएगी। ये एक अराबी था जो शहरा में अपना ऊंट चला रहा था, इसका ऊंट शहरा में गुम हो गया, ये ऊंट ढूंढता ढूंढता प्यास की हालत में मर गया, आज कब्र से निकल के फिर अपना ऊंट ढूंढ रहा है। लोगों ने कहा अच्छा सलमान ऐसा भी होता है। सलमान का इसीलिए तो मैं कहता हूं हर वक्त अली अली किया करो, अली अली किया करो, किसी भी जगह पे मर जाओ उठ के पूछो अली कहां।
पूछो कि मेरा अली कहां। उसने कहा था यकीन है इत्मीनान से, इसने इत्मीनान से कब्र पे जाके कहा उठ जा। जाऊंगा बात बड़ी दूर तक निकल जाएगी। अली के नौकरों के फजाइल ही इतने ज्यादा, मुझे अली की इज्जत की कसम, हम कंबर से मांगे तो हमें कंबर दे देंगे, दूसरे से मांगे। एक अल्लाह का नबी है, नाम उसका सुलेमान इब्न दाऊद है, छोटा नबी है, बहुत बड़ा नबी, सल्तनत वाला नबी, रकबे वाला नबी, परिंदों की बोलियां, हवाओं को चलने का हुक्म, जिनाद उसके ताबे, पूरा कंट्रोल था इसका। खुदा कुरान में कहता है कि मलकल मौत है, मलकल मौत का आना था सुलेमान का, रुक कभी मेरा जाने का प्रोग्राम नहीं। सुलेमान इब्न दाऊद ने कहा रुक जा, सुलेमान इब्न दाऊद नबी ने कहा रुक जा मेरा जाने का प्रोग्राम नहीं, और जगह संभल के बात कर, मैं मलकल मौत मैं दाएं पाएं देखते भी गुजाइश नहीं दे। कुरान कहता है यूं छड़ी बगल में थे या उसे रुक कब्ज कर, छड़ी को दीमक लगी, दीमक चाटती चाटती अल्लाह का नबी सुलेमान गिरा, तो लोगों को पता चला कि सुलेमान इब्न दाऊद दुनिया से जा चुके, मलकल मौत ने बैठने की मोहलत भी नहीं दी, मलकल मौत ने छड़ी भी बगल से नहीं निकालने दी। मैं बात खड़े में मुंह देख नहीं बात कर रहा, चौक में बात कर रहा, कुरान मिंबर में लेकर आओ। सुलेमान इब्न दाऊद छोटा नबी नहीं था, बहुत बड़ा नबी था। सुलेमान इब्न दाऊद मलकल मौत के सामने खड़ा रहा, मलकल मौत ने कहा ना ना पलक झपकने की इजाजत मैं नबियों को भी नहीं देता, चाहे जो भी है मेरे पास किसी का दिया हुआ अमर है, किसी का दिया हुआ अमर है जो मैं लेके आता, मुझे किसी ने इस नौकरी में रखा हुआ। उसने सुलेमान इब्न दाऊद को ना बैठ में दिया, सुलेमान इब्न दाऊद की छड़ी को उस असाद को दीमक ने चाटा, तो वो सुलेमान इब्न दाऊद के जाने वालों को पता चला कि अल्लाह का नबी दुनिया छोड़ के चला गया है। ये है नबी सुलेमान इब्न दाऊद जिसको मलकल मौत ने पलक झपकने की इजाजत नहीं दी। कुरान मिंबर पे लेकर मुझे चौदह की सच्चाइयों की कसम है, अली की दरवाजे में छुपने वाला खुदा सुलेमान मुहम्मदी, जब सुलेमान मुहम्मदी पे मदाइन पे मौत आ गई, मलकल मौत ने आकर सलमान मैं तेरी रूह लेने के लिए आया, सलमान का थोड़ी देर रुक जा, जब तक वे नहीं आएंगे मैं जाओ। मैं जाऊंगा और मालिक जब मदाइन में पहुंचे हैं तो मदाइन में पूछा कहां है सलमान मुहम्मदी, कहते जी इस हुजरे में पड़ी है लाश। हुजरे का पर्दा उठा, अली का पहला कदम आया, सलमान कफन से उठ के खड़ा हुआ। अली ने सलमान का माथा चूम के कहा सलमान तू मर चुका है,